भिवंडी महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर। कहा जाता है कि 500 साल से भी ज्यादा पुराना है यह शहर। यहाँ हर जाति और धर्म के लोग देश के कोने कोने से आकर बसते हैं, इसलिए इसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है। 30 लाख से भी ज्यादा आबादी वाले शहर में 70% लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक बड़ी आबादी होने के बाद भी यह शहर बुनियादी जरूरतों की कमी से जूझ रहा है, जिसमें अच्छी सड़कों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की सेहत से जुड़ी समस्याएं एक बड़ा सवाल है। हुकूमत की अनदेखी इस शहर का मुकद्दर है। ऐसे में इस शहर के लोगों की जिम्मेदारी है कि वह खुद इस शहर को बेहतर बनाने का बीड़ा उठाएं। आज से लगभग 14 साल पहले ऐसे ही कुछ जिम्मेदार लोगों ने साथ मिलकर इस जरूरत को समझा और इस शहर को कुछ ऐसा दिया जो आज अपने आप में एक मिसाल है। आज से 14 साल पहले हम कुछ दोस्तों ने और हमारे अपने पहचान वालों ने इस शहर के हालात मसाइल के ऊपर गौर करते हुए एक साल में 20 से 25 लोगों को जोड़ते हुए कोकन प्रोग्रेसिव ट्रस्ट नाम का एक अदारा शुरू किया। ऐसे लोगों ने मिलकर एक जगह एक मीटिंग ली कि भिवंडी शहर में तालीमी मियार जो बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो पैसे हैं। इसका एक बहुत अहम जो एक्टिविटीज़ है वो ये है कि हम ऐसे बच्चे जो बहुत ज़हीन हैं मगर फंड्स के कारण आगे पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए आखिरी साल तक फंड मुहैया करना, एक एजुकेटेड और सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी को बनाना ताकि जो है नई नस्ल के जहन से पिछड़ापन दूर हो और वो मेन स्ट्रीम में शामिल होके इस मुल्क की और इस शहर की तरक्की में हिस्सा बटाए। एवरीबडी फ्रॉम द ग्रुप बिलीव्ड दैट इफ यू कुड एजुकेट वन चाइल्ड ही वुड बी एबल टू सपोर्ट द एंटायर फैमिली। और ऐसे बच्चों को चुना गया और उन्हें एजुकेशन के लिए हमने फंड दिया और ऐसे काफी लोग यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह समाज में निकले हैं और काफी अच्छा काम अल्हम्दुलिल्लाह से हो रहा है। Some of them have become CAs, some of them have become engineers and doctors. धीरे धीरे कुछ सालों में शहर के हालात को और मसाइलों को देखते हुए हमारे सरोज फकीर साहब, उन्होंने महसूस किया कि डायलिसिस सेंटर की बहुत सख्त जरूरत है भिवंडी में। उस वक्त भिवंडी में डायलिसिस सेंटर कोई भी नहीं था। चार बेड्स का एक भिवंडी डायलिसिस सेंटर, इस नाम से हमने डायलिसिस सेंटर शुरू किया। उस डायलिसिस सेंटर में चार मशीनें और 12 मरीजों से हमने वो सेंटर शुरू किया। द मेन रीजन टू बिल्ड दिस भिवंडी डायलिसिस सेंटर इज सरोज फकीज मदर, हु इज आल्सो माय मदर इन लॉ। शी वाज ऑन डायलिसिस एंड वी हैड टू ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम भिवंडी टू बॉम्बे। और अगर हम उसका कॉस्ट मंथली बेसिस में निकाले तो इट यूज़ टू कॉस्ट अस 25 to 30,000 रुपीस। सरोज फकीर जो कि इसके फाउंडर है, उन्होंने ये सोचा कि हमको ये महीने में देने में इतनी परेशानी महसूस होती है कि यार हर महीने कितना पैसा देना है, तो दूसरे जो नहीं अफोर्ड कर पाते वो कैसे पे कर सकते होंगे। सरोज ने ये सोचा कि भिवंडी में एक सेंटर की जरूरत है। भिवंडी बीइंग अ टाउन ऑफ 30 लाख पीपल विदाउट एनी एक्सेस टू प्रॉपर हेल्थ केयर, इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग टू सी पीपल गोइंग आउट ऑफ टाउन फॉर डायलिसिस। सो पुअर पीपल कुडंट अफोर्ड इट, दे हैड टू लीव भिवंडी एंड गो आउटसाइड ऑफ भिवंडी, ईदर टू बॉम्बे और थाने टू कंप्लीट देयर डायलिसिस सेशंस। माझं नाव माधव विठ्ठल जाधव,
मी 2016 पासून डायलिसिस सुरू झालं मला, तेव्हा मला तिथे पैसे भरावे लागत होते. प्रत्येक डायलिसिसला 1150 रुपये भरावे लागत होते. नंतर माझा नंबर येथे लागला भिवंडी डायलिसिस सेंटरमध्ये. त्यानंतर मला येथे राजीव गांधीची योजना लागू झाली आणि मला फ्री डायलिसिस इथं चालू झालं. गुलाब रमेश जाधव. पहिले मी आर्मीमध्ये करायचे 2 वर्षे, तर पैसे भरायला लागायचे. इथं आल्यापासून पैशाविषयी भरायला नाही लागत. इथं डायरेक्ट माझं फुकट होतं. सगळं इंजेक्शन बिंजेक्शन हे सगळं फुकटमध्ये होतं. काही इथं त्रास नाही आम्हाला. मेरा नाम साजिद अब्दीन दलवी. यहाँ पे मतलब फ्री में करा रहे. माशा अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. यहाँ के टेक्नीशियन भी बहुत अच्छे है, अच्छे से ध्यान रखते है हमारा. जितने भी जिम्मेदार लोग है वो बहुत अच्छे है, हमारा बहुत ध्यान रखते है. जब हमने 4 मशीन से स्टार्ट किया तो पेशेंट्स की जो वेटिंग लिस्ट थी तो वो इतनी ज्यादा थी कि हम लोगों को लगा यार हम कैसे इन पेशेंट्स को भी अकोमोडेट कर सकते हैं. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली लोगों ने हम लोगों को काफी फंड दिया. उसके बाद धीरे धीरे 4 मशीन के बाद 7 मशीनें और आज अल्हम्दुलिल्लाह 16 मशीनें. भिवंडी शहर का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर और वो भी हर सहूलतों के साथ और जो पैसा नहीं दे सकते उनके लिए फ्री. एंड एट द सेम टाइम हम जो पेशेंट्स ले रहे हैं तो इट्स नॉट जस्ट कि वो आके रजिस्टर करें हमारे रजिस्टर में और हम उनको ले लेते. नो, आर स्टाफ मेंबर्स दे जस्ट गो to their houses and see whether they are eligible for this charity. At present, after doing so much, we have daily 48 dialysis in a day. जहाँ हर कौम हर मिल्लत के लोग आते हैं, इसमें कोई भी फ़र्क ये नहीं करते और 100% वो फ्री है. लेकिन इसके बाद भी हम लोगों को ये लग रहा है कि ये डायलिसिस सेंटर जो है वो काफ़ी नहीं है और उसको एक्सपांड करने की ज़रूरत है. डायलिसिस सेंटर चलाने के बावजूद भी वेटिंग लिस्ट जो है लगभग 100 तक है. अब ये देखते हुए हमारे जो भी 5-7 साल गुजर गए तो हम लोगों ने इमाम बाउद्दीन साहब को हमने इस कमेटी का प्रेसिडेंट बनाए और अब उनके अंडर में माशाल्लाह ये और ज़्यादा आगे हम लोग बढ़ रहे हैं. इसमें सीमा बहुद्दीन साहब ने इनिशिएटिव लेके जो जेनेरिक मेडिकल स्टोर है उसका इनिशिएटिव लिया. सबसे पहले उन्होंने अपनी खुद की ऑफिस उसके लिए दी. 2 साल पहले हमने 3 बत्ती में हमारा पहला जेनेरिक मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया. अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बहुत फायदा हो रहा है. आधे रेट में दवाइयाँ मिल रही हैं और जो नहीं पैसा दे सकते उनको फ्री दे रहे हैं. एक के बाद दूसरी गेबी नगर. और तीसरी कल्याण रोड. ऐसे 3 मेडिकल स्टोर्स हमारा अदारा चलाता है. अब इस शहर का एक बहुत बड़ी ज़रूरत पिछले कई सालों से महसूस की जा रही थी वो था कार्डियक एम्बुलेंस. विच दिस सिटी इज लैकिंग सिंस सो मेनी ईयर्स. पीपल इफ दे नीड दे हैव टू ईदर कॉल एन एम्बुलेंस फ्रॉम थाने और कल्याण और मुंबई. हम लोगों ने सोचा कि अब इस कार्डियक एम्बुलेंस का एहतमाम करें. हम लोगों ने इस साल कार्डियक एम्बुलेंस लाई है और ये कार्डियक एम्बुलेंस जो है चैरिटेबल रेट्स पे रहेगी. हम उसे नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे चला रहे हैं. जिसमें कोई पेशेंट अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो उसके लिए जो है वो अलग चार्ज है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर पेशेंट जाता है जो गरीब है
जो पैसे कम दे सकता है तो उससे कम लिए जाएंगे। इस तरह से ये कार्डियक एम्बुलेंस चलाना है। ये कार्डियक एम्बुलेंस जो है ये चैरिटेबल में चलाने के लिए हर महीने 50-60,000 पर मंथ का एक्सपेंसेस आए, लेकिन हम वो बियर करेंगे। दैट इज अ वेरी एम्बिशियस एंड पावरफुल प्रोजेक्ट। सो पुटिंग अप एन एम्बुलेंस इज समथिंग एल्स, बट यू नो कंटिन्यूइंग विद द कॉस्ट, यू नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू जस्ट सस्टेन एंड टू कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट। जिसकी वजह से आज तक इस शहर में किसी भी अदारे ने शुरू नहीं की थी। अल्लाह के करम से हमने इसकी भी एक शुरुआत की है। ये 13 साल का हमारा जो सफ़र रहा, जिसमें हमने डायलिसिस सेंटर, मेडिकल स्टोर और अब कार्डियक एम्बुलेंस, ये इस शहर को देने की कोशिश की है। और हमारा आगे सपना है कि एक ऐसा हॉस्पिटल रहे, एक ऐसी छत रहे जिसके नीचे हर गरीब आदमी को हर टाइप का ट्रीटमेंट इसी तरीके से मिलता रहे। मैं आप लोगों का एक बार और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी हिम्मत अफजाई की, और गुजारिश करता हूँ कि इसी तरह से हमारा हमेशा साथ देते रहे ताकि हम और बेहतर काम इस गांव के लिए करते रहे। शुक्रिया। कोकन प्रोग्रेसिव ट्रस्ट के तमाम जिम्मेदारान, डोनर्स को शुक्रिया भी अदा करूँगा, मुबारकबाद भी दूंगा कि इतना ज़रूरी काम जो सरकार को करना चाहिए आज कोकन प्रोग्रेसिव ट्रस्ट वो कर रही है। मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसी एक टीम यहाँ पर है जो शहर को आगे ले जा सकती है। अगर आप में से भी थोड़ा वक्त इस ट्रस्ट के लिए दें, अच्छे काम के लिए, तो भिवंडी शहर आपका रोल मॉडल शहर हो सकता है जहां बीमारियां कम से कम होंगी। आपका इदारा ऐसा है कि आज हम इसको सर्टिफाई करते हैं, जो देना चाहता है इधर जरूर दिल खोल के दीजिए। इट इज माई हम्बल अपील टू ऑल द पीपल टू प्लीज हेल्प अस जेनरसली इन दिस नोबल एंडेवर, सो दैट वी विल बी एबल टू complete and sustain our existing projects and we can take up some new projects in the future. Aur Allah se hamari ye dua hai ki Allah taala in sab kamon mein humko kamyab kare, uska saath de, aur aage mustaqbil mein bhi jo kaam aage aayenge wo hum koshish kare aur uske liye taiyar hai. Shukriya.